नमस्ते दोस्तों, आज हम नए टॉपिक लेके आए हैं आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से। वो टॉपिक है मानव जीनोम परियोजना, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जिसे अंग्रेजी में कहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग मानव जीनोम परियोजना के बारे में चर्चा करेंगे। ये परियोजना कहने का मतलब है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट तैयार, जो मानव हो या मानव के अलावा विभिन्न जो जीव है उसके जीनोम के बारे में एक प्रोजेक्ट तैयार करना, जिसका क्या काम है नहीं है, एक मैप, एक नक्शा तैयार करना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, मानव में बहुत सारे जो गुण जो होते हैं वो डीएनए के मार्फत से, डीएनए के माध्यम से ही एक जीव से, एक जनक से दूसरे जनक में वो ट्रांसफर होता है किसी भी जाति में। उसमें जो डीएनए जो है एक जीन के रूप में वर्क करता है। तो ये एक योजना जो बना, तो इसके लिए एक वैज्ञानिकों को एक परेशानी था कि ये कैसे काम करता है नहीं करता है, क्योंकि इसमें सिर्फ सोचना ही नहीं था, इस पर ये साइंस में साबित करना होता है, प्रूफ करना होता है। तो इसके लिए 1990 में के दौर में इस पर काम शुरू हुआ, जो चरणबद्ध तरीके से इस पर काम चालू रहा, और इसमें न जाने कितने देशों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये लोग चीज़ हम लोग जानेंगे कि कोई भी जीव है, मान लिया जाए कोई भी जीव, तो उनमें सारे जो गुण होते हैं वो उसके डीएनए में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम पर निर्भर करता है, नाइट्रोजनी क्षार के अनुक्रम पर निर्भर करता है। इससे पहले हम लोग जीनेटिक आनुवंशिक कूट यानी जीनेटिक कोडोन, आनुवंशिक कूट के बारे में पढ़ चुके हैं, तो उसमें हम लोग ये नाइट्रोजनी क्षार बेस के बारे में ही पढ़े हैं कि फर्स्ट बेस, सेकेंड बेस और थर्ड बेस कहाँ पे है। और वो नाइट्रोजनी जो क्षार जो पाए जाते हैं, एडिनिन है, साइटोसिन है, गुआनिन है, यूरेसिल है, थाइमिन है। तो ये डीएनए और आरएनए में, डीएनए की यदि बात किया जाए तो एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन। उसी तरह एडिनिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल जो ये आरएनए में पाया जाता है और ये डीएनए में पाया जाता है। आरएनए का खास यूरेसिल है क्षार और इसका ये गुआनिन है डीएनए का। तो उसमें हम लोग उसकी क्रम संख्या और पोजीशन के बारे में जाने थे। तो वही नाइट्रोजनी जो क्षार है उसके अनुक्रम पर निर्भर करता है। तो ये मानव जीनोम में इसके कर्म को भी हम लोग जानेंगे, तो वही कर्म तैयार किया गया था। उसके आगे हैं विभिन्न मनुष्य की यदि बात किया जाए, मनुष्य तो बहुत सारे हैं या बहुत जीवो हैं, तो उस समय जो ये डीएनए जो पाया जाता है वो अलग अलग होता है। क्या होता है? डीएनए अलग अलग होता है, एक समान नहीं होता है, अलग अलग। हर प्रकार के आनुवंशिकी रोगों के निदान के लिए ये वैज्ञानिकों ने मानव जीनोम परियोजना की एक कल्पना किया, क्योंकि ये जो डीएनए जो अलग अलग पाए जाते हैं तो उसमें क्या होता है कि कुछ मेरिट्स वाले भी लक्षण आ जाते हैं और कुछ डीमेरिट्स वाले भी लक्षण आ जाते हैं। तो मेरिट्स वाले, गुण वाले लक्षण जो आया तो उसे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जो डिमेरिट आया तो इसको आणविक स्तर पर इसको कैसे निदान किया जाए, कैसे इस चीज से छुटकारा मिले, इसके लिए एक योजना बना। और योजना बनना भी जरूरी था, क्योंकि ये डिमेरिट से कब तक मानव के साथ ये लगा रहा था, कभी ना कभी से पीछा छुड़ाना चाहता है, क्योंकि ये डिमेरिट था। तो कल्पना किया और इसके लिए 1990 में एक योजना शुरू हुआ, और ये योजना छोटा मोटा योजना नहीं था, एक बहुत ही बड़ा ये प्रोजेक्ट था, बहुत बड़ा योजना था, है ना, जो मानव हितकारी, जो मानव के हित को ध्यान में रख शुरू किया गया।
ये योजना यदि नहीं रहता तो ये क्या होते हैं कि ये कुछ निदान जो होते हैं आनुवंशिक रोग, उसका छुटकारा नहीं मिल पाता मानव को। तो मानव के हितकारी उद्देश्य के लिए ही ये योजना 1990 में तैयार किया गया। इस योजना को अमेरिकी ऊर्जा विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा समन्वित किया गया, यानी ये एक योजना जो तैयार हुआ तो इस योजना में एक ट्रस्ट, एक संगठन को जरूर आना पड़ता है। सरकार जब ये प्रोजेक्ट तैयार करता है तो इसके लिए सरकार को मदद करने के लिए कुछ संस्थान जो होते हैं, संगठन, वो आगे आते हैं। तो उसी में अमेरिकी ऊर्जा विभाग तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान द्वारा समन्वित किया गया। अब ये योजना जो था, ये अमेरिकी ऊर्जा विभाग के बाद शुरू में ब्रिटेन की जो वेलकम न्यास संगठन जो था, इसका भी इस योजना में अहम भूमिका था, बहुत बड़े पैमाने पर यह सहयोग दिया। और ये ब्रिटेन के बाद जर्मनी, जापान, चीन ने भी इस योजना में सहयोग दिया, क्योंकि वैश्विक स्तर पर जो मानव हितकारी के उद्देश्य से वो कोई एक बड़ा प्रोजेक्ट जब चलता है तो इसमें विकसित जो कंट्री है, देश है, तो इनका इसमें भरपूर सहयोग रहता है। ये एक देश की बात नहीं है, एक संस्था की बात नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर पैसा, उपकरण, मटेरियल, ये सब की ज़रूरत होता है, जो एक सहयोग के रूप में ही ये वैश्विक स्तर पर बहुत सारे कंट्री जो विकसित है वो मिलके ये मानव उद्देश्य के लिए, मानव जाति के उद्देश्य के लिए ये योजना तैयार करता है, बनाता है। तो ये जर्मनी, चीन, जापान ने भी सहयोग दिया और ये योजना जो है 1990 से शुरू हुआ जो 2003 तक चला, यानी ये 13 सालों तक इस योजना में मानव जीनोम के बारे में, मानव जो जीन है उसके बारे में ये 13 सालों तक गहन अध्ययन किया गया। ये जीन जो है वो डीएनए में जो पाया जाता है उसमें ये 20,000 से लेके 30,000 तक ये डीएनए है, सॉरी जीन है डीएनए में, जिसमें सिर्फ जीन के बारे में, इसकी जीन के बारे में हम लोगों को जानकारी प्राप्त करना था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था ये जीन क्या है, जीन का फंक्शन क्या है। तो ये जो जीन है इसमें से 50% ही जीन है जिसके बारे में इस योजना के तहत, मानव जीनोम प्रोजेक्ट के तहत कुशलतापूर्वक अध्ययन कर लिया गया, और 50% ऐसे अभी भी जीन हैं जिसके बारे में अभी भी जानकारी विज्ञान जगत में नहीं है, ये डाटा उपलब्ध नहीं है। क्योंकि बहुत सारे जो जीन हैं तो वो जीन के बारे में, ये ज़रूरी नहीं है कि मानव जीनोम पर प्रोजेक्ट जो योजना था उससे यदि हम 50% जीन को बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लिए तो जो शेष बच रहा है उसको भी इसी मटेरियल से, इसी उपकरण से प्राप्त हो जाए, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि जीन का नेचुरली चीज, स्वभाव, स्टेन, ये सब जो होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो जितने प्रकार के ये होंगे तो उतने प्रकार के इसके लिए एक अलग प्रोजेक्ट बनेगा। उस प्रोजेक्ट में जो है तरीका, टेक्नोलॉजी, उपकरण, मटेरियल, ये सब अलग चाहिए जो एक प्रोजेक्ट के रूप में ये काम करेगा, जो अभी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इस पर बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। एक जीन में अरबों अमेरिकी डॉलर लग जाता है, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि 20,000 से 30,000 हम लोगों का जीन है तो इसमें 50% है, तो इसमें बताइए कितने टेक्नोलॉजी, बड़े बड़े उपकरण, कितने रुपया की ज़रूरत हुआ होगा इस योजना को तैयार करने में। इसलिए अभी और जीन है उस पर वर्किंग बाकी है। उसके बाद मानव जीनोम के अलावा इस योजना के तहत तो मानव जीनोम के बारे में डाटा उपलब्ध हुआ, इसके अलावा अन्य जीव जैसे में बैक्टीरिया, ईस्ट, धान की बहुत सारी प्रजाति है, ड्रोसोफिला जिसे फल मक्खी कहते हैं, ये सब के जीनोम के बारे में भी जानकारी उपलब्ध हो गया। तो ये मानव जीनोम परियोजना था। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखा कि ये कैसे ये वर्क किया जाता है, क्यों इसको तैयार किया गया, इस योजना को नहीं किया गया, किस किस देशों ने भाग लिया,
अब इसके अगले वीडियो में हम लेके आएंगे मानव जीनोम परियोजना के मुख्य उद्देश्य, क्या उद्देश्य था, किस उद्देश्य, किस मकसद को लेकर यह तैयार किया गया था, किन किन पहलुओं पर ध्यान दिया गया था, जो अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।